हमारे बीच में साहो की टीम आने वाली है, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करना चाहूंगा वेंकट सत्य नारायणा प्रभास राजू उपलपति। ये पांच लोग नहीं है, सिर्फ एक आदमी का नाम है और ये अकेला आदमी पांच स्टार्स के बराबर है, द सुपरस्टार प्रभास, और साथ में वेरी ब्यूटीफुल वेरी टैलेंटेड श्रद्धा कपूर। We also have some international fantasy. Hi, girls. How are you? Hello, sir. My name is Farah Naz Khan. Hello. And I'm half Persian, Italian, Indian. Oh. Oh. So. Oh. World level ki integration. I love you and your family. Oh, and yeah, bro. Hi, Kapil. Hi. I'm from Turkmenistan. Oh, I love Turkmenistan. Hi, Prabhas. Hi, Shada. Are you always telling this? And yeah, you never know where is this country? I know very well about Turkmenistan. It's out of India. So it's your third visit to our show? No, second time. Second time? Yes. Before your show was from another channel. Yes. Oh, sorry, history pata ladki. Obviously. तुम्हारी हिस्ट्री पता है मुझे, ये चैनल के क्या गाइस देखिए हमारी पॉपुलैरिटी, तुर्कमेनिस्तान वाले हिंदी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलके, शुक्रिया। We love you, Kapil. Love you too, thank you. And I'm married, but still today I love you. Because of you. श्रद्धा आपका, प्रभास सर आपका, दोनों के क्या कैरेक्टर्स हैं फिल्म में? हम दोनों पुलिस ऑफिसर्स प्ले कर रहे हैं। ओके। और हाँ बेसिकली पुलिस ऑफिसर कर रहे। प्रभास का जादू आप पे तो नहीं हो गया? पिछली एपिसोड में आई तो कितना बोल रही थी श्रद्धा। बिल्कुल आज थोड़ा शाय सी। एक तो हमारे सारे एक्टर्स भी इतने पढ़े लिखे आते हैं ना, ये बोस्टन पड़ी हुई है श्रद्धा, तो फिर थोड़ा वो कंफ्यूजन होता है कि क्या आदमी बात कर। ड्रॉप आउट भी तो किया। ड्रॉप आउट किया लेकिन एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी बात है ना। हमारी तो एडमिशन ही नहीं होती। ये आपको पता होगा फ्रूट का नाम इसका, श्रद्धा आपको तो अमेरिका में पढ़ी लिखी हो। व्हाट इज दिस? हिंदी में, हिंदी में तो नहीं पता लेकिन अंग्रेजी में ड्रैगन फ्रूट। इसका क्या, इसमें कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं, इसमें कोई होता है? सीरियसली? हाँ ये एक्चुअली डेंगू के लिए अच्छा है। डेंगू के लिए अच्छा? डेंगू के लिए अच्छा है क्योंकि मुझे डेंगू हुआ था तो मैंने बहुत खाया। अच्छा। हाँ तो मच्छर छोटा होता ना, ड्रैगन बड़ा होता, खा जाता। ओके। नील आपकी एक कजन आई हुई है। मैं पीछे सुन रहा था आप जितना इनके साथ फ्लर्ट कर रहे थे जी। हाँ। अभी आपने कजन बना दिया तो मैं फ्लर्ट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये ऐसा करता है। नहीं नहीं आप करो, किसी के हाथ तो आए आप। और प्रभास सर बताइए क्या पेश किया जाए आपके लिए? बोल तो ऐसे जैसे देवसेना बन के नृत्य करेगा इधर। यार हम तो नृत्य कर देंगे, सवाल पैदा होता है कि वो हमारा नृत्य देखना चाहेंगे क्या? जैसे कोई कहता है कि मैं, मेरा बचपन ज्यादा लंबा हो जाए जी, 30 साल तक मैं बच्चा ही रहूं, या 30-40 साल तक मैं जवान ही रहूं, या मैं, मुझे बुढ़ापे में रहना अच्छा लगता है। कितने लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं और कौन से पड़ाव को होल्ड करना चाहते हैं? मैं संजीव गुप्ता बनारस से आया हूं। नमस्कार सर, बहुत बहुत। मैं आपसे 35 साल पुराने उस दौर में जाना चाहता हूँ जी, जब मैं यंग था और मैं गाना बहुत अच्छा गाता था। अच्छा, लेकिन वह काफ़ी लड़कियों को पटाने की कोशिश भी करता था। उस समय जो काम मैं नहीं कर पाया, अधूरे रह गए, वो मैं अब पूरा करना। कौन से काम? पटाने के। जैसे सारे लड़कियों के सामने गाना गा के पटाना। पटाना चाहो। यस मैडम। तो जो आप अपनी पटा के लाए हैं पर्सनल, अपनी वाइफ वो आई है साथ में? ये जी क्या बोल रहे हैं सर? चलेगा ये मेरे पे, ये तो पेरेंट्स की देन है। ये मेरे पेरेंट्स की देन है। गुप्ता जी कितने नॉटी हैं आप, आज गाना सुनाओ आप अपनी वाइफ के लिए, आज वही माहौल बनाते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आ तो गई। आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू,
चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या बात है गुप्ता जी, देखिए अभी और तो कोई चली आएगी नहीं, तो जो है उनको संभाल के रखिए, ईश्वर से यही प्रार्थना है आप खुश रहें, बड़ा बड़े मजेदार इंसान है आप। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। ये छोटी सी बच्ची ना बहुत देर से हाथ खड़ा कर रही है, शी वांट टू से समथिंग एक्चुअली। सर मैं प्रभास सर की बहुत 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 बड़ी फैन हूं। कहाँ से आए बेटा आप? गाना गाना चाहती हूँ। अच्छा, सो स्वीट, कौन सा गाना गाना चाहते हो आप? पंछी बोले क्या? अब सुनाओ। पंछी बोले है क्या पिया सुन ले चलो, प्यास बढ़ती रहे प्यार होता रहे, आज दिल से सदा आ रही है सुनो, इश्क जगता रहे वक्त सोता रहे। वेरी नाइस। मुझे प्रभास सर से मिलना है। मिलो बेटा, किसने रोका आपको? वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। उसको लास्ट में याद है, एक ये भी है, ये भी है। सबसे पहले हम खेला शुरू करने से पहले नील जी आपसे कुछ कहना चाहेंगे जी। खाली एक रिक्वेस्ट है, आप ना ऐसा गुजरात गुजरात की तरफ ज्यादा मत जाया कीजिएगा, वहाँ पे क्या है हर चीज के पहले वो सू लगा देते हैं कि सू कम सू करे सू ये सू वो, कहीं आपके नाम के आगे सू लगा दिया तो आप नील के जगह सू नील हो जाएंगे। I'm sorry sir, jokes box थोड़ा माहौल बनता है तो बीच-बीच में बोल देते हैं। अच्छा, इन दोनों को देख के कितना मजा आ रहा है, एक तरफ बाबा एक तरफ ब्लैक शिप, बाबा ब्लैक शिप, बाबा ब्लैक शिप। तो इस बाबा ब्लैक शिप को देख के आपका वुल क्यों निकल रहा है? Have you any wool? बाल तू कच्चुल। तो तू ले ले मेरी वुल थोड़ी सी, इसको बड़ी ठंडी लगती है, आप यकीन नहीं करेंगे। दिसंबर महीने में इसकी नाभि में बर्फ जम जाती है, आप फिर ये तिल्ला डाल के उसका गोला बना के खाता है। मैंने एक बात सुनी महेश जी, मैंने सुना है आपकी जो मिसिज है उन्होंने आपका नाम महाराज के नाम से सेव रखा हुआ है, इज इट ट्रू महेश जी? हाँ। तो वो आपको सच में महाराजा समिति के बाबरची। दिस वॉज ए न्यू जोक, इट डिडंट वर्क बट समटाइम्स इट वर्क। ये महाराज ने सुना तो बंद हो जाएगा। चलिए रेजी सर, ये रहा अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये नील जी आपका एक फिल्म आया था आ देखें जरा। अच्छा, हमारा सवाल है इसमें क्या देखने की बात की जा रही है? ऑप्शन ए वो देखने की बात की जा रही है, अच्छा वो। ऑप्शन बी ये देखने की बात की जा रही है, ऑप्शन सी बात ये देखने की जा रही है लेकिन वो देखा जा रहा, ऑप्शन डी आ देखे जरा में जरा जरा देखने का बात कर रहे हैं लेकिन जरा देख नहीं रहे, देख पूरा रहे हैं। तो ये हैं आपके चार ऑप्शन। यू नो व्हाट आई फील, आई विल नेवर आस्क्ड। जरा आ देखे जरा है ना, मेरे को लगता है जारा जो है ना वो ऐसे कमरे में तैयार हो रही है और वीर बाहर है और वो बोलता है देखे जारा, आई व्हाट आई फील, हे माँ 50 तोला, हे माँ माँ 50 तोला। यू आर डिस्क्वालिफाइड।
अब ज्यादा बकवास तेरे में ऐसा छेद करके ना मेदू वड़ा बना दूंगा तेरे को, समझा, खा जाऊंगा। बात कर ले ले। अब बीच तेरी वाट लगा डालूंगा, बोल रहा हूँ मैं। अच्छा मैं गुस्सा नहीं करना, मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है। आप पूछिए। ये जो आप वाट लगाते हैं, हाँ जी, ये कितनी वाट का होता है? मेरे को बाथरूम में 0.0 वाट के 2 लगाने हैं। ऑरेंज कलर का लगाना मेरे को, मैं नहाता हूँ ना ऑरेंज में, बड़ा अच्छा दिखता है, मैं बहुत ब्यूटीफुल दिखता हूँ। अरुणा जी कैसा सवाल हुआ ये? नहीं समझ में आया तो ब्लू कलर का लगा लो। अच्छा मेरा एक और सवाल है, जैसे अच्छी चीज सुन के मुंह में पानी आ जाता है, तो जैसे जेट स्प्रे होता है, ये क्या सुनता है जो इसके मुंह में पानी आ जाता है? ये आप कहां की बात कहां ले जा रहे हैं सोनी साहब? ये आपने कहां का जानवर कहां ला के रखा है? ए माँ! अरे क्या उधर कुछ है? माँ 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 उधर कुछ है? इधर भी कुछ है जो खींच रहे हो। ए माँ! ए माँ! ए माँ! मेरे को उधर सर्किट नजर आ रहा है माँ, सर्किट है उधर। देखिए देखिए, हमें तो आपका भविष्य संकट में दिख रहा है। कभी आपको स्त्री दिख रहा है, कभी सर्किट दिख रहा है, वास्तव में बताओ क्या दिख रहा है? अबे वास्तव में सिर्फ संजय दत्त दिख रहा है क्या? माँ मैं बोला ना कुछ तो आ इधर, ओ स्त्री कल आना। मैं तो कहता हूँ परसों भी आना, और मैं तो कहता हूँ नर्सों भी आना, और 11 बजे के बाद आना, मैं फ्री होता हूँ, मेरे को थोड़ी सी शादी करनी है। अरे अंकल क्या कर रहे हो, इसको जाने दो, मैं आपकी शादी से करवा दूंगा, फिर अगले साल आपके स्त्री पार्ट 1 पार्ट 2 वो भी हो जाएंगे, टेंशन मत लो, मेरे को मामू मामू भी बोलेंगे। ठीक है बैठो अभी। आपके आप बात में फिर गोविंदा जी को ही मामू मामू बोलते रहेंगे क्या? आपके भी बदलेंगे कभी? ये चल रहे सब एक दूसरे को मामू बना रहे। श्रद्धा लेट्स गो, मैं तुम्हें जानू बनाता हूँ। श्रद्धा जी सब भगवान से शक्ति मांगते हैं, हम आपसे शक्ति कपूर जी मांग रहे हैं, एक दिन के लिए उनको यहाँ पे लेके आ जाइए, किसी का ढाक की चिक्की। तुम्हारी ढंक की चिक्की। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों ने मुझसे डरना ही नहीं था तो मैं जाऊं कि अब यहाँ से? मेरी बात सुन, तू जब शीशा देखती तेरे को डर नहीं लगता? तुम्हारा जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा भयानक यहाँ पर बैठे हैं। ओ स्त्री।